हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू खोजी की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता जा रहा है और हमारी जो कंट्री है वो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही डिजिटल इंडिया से या डिजिटल तरीके से होने वाले फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी कॉल्स से फ्रॉड किए जाते हैं, जैसे कि कोई कॉल आया और आपसे वो आपके पिन या आपके डिटेल्स, आपके एटीएम कार्ड या आपके अकाउंट्स के बारे में डिटेल मांगता है। तो दोस्तों, जो लोग तो जान चुके हैं, जिनको ये पता है कि इस तरह की कॉल्स जो है फ्रॉड होती हैं, वो तो अब अपने डिटेल्स नहीं देते, लेकिन जिन्हें ये नहीं पता कि ये इस तरह का एक फ्रॉड होता है, तो वो चुपचाप अपने कार्ड की डिटेल और अपने अकाउंट्स की डिटेल उन्हें दे देते हैं, जिससे कि उन्हें बाद में इसका काफी नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही एक मैसेज इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें अमेज़न की बिग बिलियन डील्स के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इस मैसेज को देखेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें लिखी हुई हैं कि आपको यहाँ पे 90% डिस्काउंट, 5 रुपए में सामान लीजिए, 1 रुपए में सामान लीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। दोस्तों, लेकिन ऐसी कोई भी डील या ऐसा कोई भी जो समझ लीजिए एक तरह का ऑफर जो है, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं चलाती। और दोस्तों, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां जब भी कोई सेल या किसी भी बिग बिलियन डील्स या ऐसी कोई भी सेल लेके आती हैं, तो उसका बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोशन होता है। उनके आपको हर तरफ ऐड देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि न्यूज़पेपरों में भी आपको उस डील्स के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त इंटरनेट पे या कहीं व्हाट्सएप पे एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कि आपको ये बोला जा रहा है कि अमेज़न का बिग बिलियन डील वापस आ चुका है और इसमें आप 1 रुपए में, 2 रुपए में सामान खरीद सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, कोई भी डील नहीं चल रही है, कोई भी सेल नहीं चल रही है। अगर आप उस लिंक को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो उसमें कहीं भी amazon.com या amazon.in का यूज नहीं किया गया है। ये एक तरह की फ्रॉड लिंक है जो आपके ईमेल एड्रेस और आपके एड्रेसेस की डिटेल्स को कलेक्ट करते हैं। दोस्तों, ऐसे फ्रॉड बहुत होते हैं, क्योंकि ये ईमेल एड्रेसेस और एड्रेसेस को कलेक्ट करके फिर इसे दूसरी थर्ड पार्टी कंपनी को बेच देते हैं, जिससे कि उन्हें काफी बेनिफिट होता है और वो कंपनियां आपको स्पैम मैसेजेस और ईमेल की तरह से होने वाले साइबर अटैक्स कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी कोई बड़ी कंपनी या किसी कंपनी के लिंक अगर आपके पास आता है, तो उसमें उस कंपनी का .in या .com डोमेन होता है। दोस्तों, ये लिंक जो आपको मिलेगी, जो आप भी जो मैसेज आपको व्हाट्सएप पे मिल रहा है, इस व्हाट्सएप में मिलने वाले लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे और जो उसका एड्रेस बार होता है उसमें जाके आप अगर देखेंगे, तो आपको ऐसा कोई भी डोमेन नेम नहीं दिखेगा, बल्कि आपको यहाँ पे एक blogspot.com का डोमेन दिखेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है किसी ने ये पेज क्रिएट किया है, जो कि हूबहू बिल्कुल अमेज़न के तरीके दिखता है और इसपे कुछ थोड़े से डिटेल्स उठा के डाल दिए हैं अमेज़न के ही डेटाबेस, मतलब अमेज़न से ही पेज से लेके, और वो आपको सिर्फ इसे सिर्फ खरीदने के लिए बोल रहा है, जिससे कि वो आपके ईमेल एड्रेसेस और आपके बाकी डिटेल्स को इकट्ठा कर सके और उन्हें किसी दूसरे कंपनीज को या हो सकता है हैकर्स को बेच सकता है। तो दोस्तों, बी अवेयर, इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड आजकल चल रहे हैं और इनसे आप बच के रहिए। तो दोस्तों, ये पूरी तरह एक फेक मैसेज है, इसे बिल्कुल भी सर्कुलेट ना करें और अपने दोस्तों को भी इस चीज की जानकारी दें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने चैनल पे ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ।